अब जैसे ये सवाल था आपका, देखो नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, मैंने यहां पे प्रूव करने के लिए कुछ उसने दिया होगा। तो जब आपके पास प्रूव करने के लिए होता तो आपको, कई बच्चे ऐसे तो जो क्वेश्चन को भिड़ाने का, आंसर को भिड़ाने का काम करते, हमने आंसर भिड़ाना नहीं है, अपने अपने दिमाग का प्रॉपर काम करना है। तो ना अब अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से करना चाहूं, देखो मैंने वहां से उसका राइट हैंड साइड गायब कर दिया, इट इज डिसअपीयर फ्रॉम हियर, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा जो आप चाह रहे, जो आपकी किताब में हो। अब आपका साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर आपका देखिएगा न्यूमरेटर में साइन थीटा आपका देखो कॉमन, एंड यू सी द डिनोमिनेटर में आपका देखो ना कॉस थीटा आपका कॉमन। एंड मैथमेटिक्स का सबसे पहला स्लॉट ही है आपका नाउ, इफ यू आर टेकिंग अप, इफ यू आर लुकिंग द कॉमन, आपको लग रहा है आप उसको तुरंत टेक इट आउट, आप उसको बाहर ले लीजिए, साइन थीटा वन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा आपने ले लिया, आपका देखो नाउ दिस सर ये आपका क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब इसका मतलब आंसर मुझे यहां से देख, क्या देखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसका मतलब या यहां टेन थीटा होगा जी जी मैं कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे पहले आई बिल्कुल सही सर ठीक ऑर्डर, इसके बाद ये आएगा पक्का। अब देखो क्या आईडी, देखो आईडी यूज किया आपने, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब यहाँ आपने क्या किया, एक नॉर्मल बच्चा देखो जो खिलाड़ी नहीं है वो क्या करेगा, देखो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस देखो टू साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा, इन प्लेस ऑफ वन यू हैव केप्ट दिस वन, देखो नाउ ऊपर कॉस थीटा, ये देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखो अब यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, इन प्लेस ऑफ वन अगेन इन प्लेस ऑफ वन यू हैव टू कीप दिस वन, ये देखिए ये आपका कर्ली ब्रैकेट लगा दिया साइन थीटा देखो लाइक कर लो, तो पहले पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा दोनों माइनस इज बिगर देन दिस पॉजिटिव, तो टू साइन स्क्वायर थीटा में से वन साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, ये कॉस थीटा है तो टू, पहले इसको खोलिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का माइनस आपका और माइनस प्लस का माइनस आपका एक स्टेप बढ़ा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये देखो आपका कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा का लाइक टर्म, तो प्लस में से माइनस आएगा आपका देखो कॉस स्क्वायर थीटा टू में से बन गया, देखो बोथ आर सेम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल इट, नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या फिर आरएचएस सॉरी या आपका क्वेश्चन टूल आप यूज करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज कन्वर्टेड टू आरएचएस। अब आइए आपका देखो ना जी चल रहा है ओके इस वही बोलो तो ना दो अब ये देखो मैंने फिर फर्स्ट स्टेप इज देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दिस वन, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से टू कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा हो गया, देखिए न्यूमरेटर में वहां भी जो लिखा था साइन थीटा वी हैव टू टेक कॉमन कॉमन है सी वन, और डिनोमिनेटर में आपका देखो ना जैसे कॉस थीटा ये आपका कॉमन है,
यू हैव टेकन साइन थीटा पहले बताना, अंदर आपके पास देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन, सॉरी दिस इज द कॉस थीटा हो गया, देखो इसीलिए कहते हैं यहां देखो एक्स्ट्रा 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 फॉर्मूला याद करो। तो देखो अब आपको पता होना चाहिए, देखो कॉस टू थीटा का रावत सर ने तीन फॉर्मूले हमें बताए, इसमें एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, एक देखो आप बनाओ टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन था, एंड द थर्ड वन इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, और शायद चौथा भी बताया होगा इसका, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो ना अब देखो साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह में आप कॉस टू थीटा रख सकते हैं, एंड टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह में इन प्लेस ऑफ दैट। यहाँ पे क्वेश्चन टू साइन थीटा और कॉस थीटा बचा, साइन थीटा अब आपने ऐसे किया, आपका टीचर कई बार मैंने सुना है, मैंने तो ऐसे बताई ना, तो ये फॉर्मूला नहीं बताया, तूने कैसे किया भाई, तूने नहीं बताया है, तेरे यहां मैं पढ़ने नहीं आया हूं, कहीं तो मेरा भाई भी इंटेलिजेंट होगा, मेरा पिताजी भी इंटेलिजेंट होता है, मेरे चाचा भी, मेरा पड़ोस में भी हो सकता है, तेरे पास नहीं है, तुझे नहीं बुद्धि, तो किसी और को तो बुद्धि होगी जिसने एक्स्ट्रा। तो देखो अब आप करोगे तो तुरंत वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड टू कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आपका कॉस टू थीटा में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए जबकि आप यहीं पे यहां पे भी देख सकते हैं, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर आपका देख रहे हैं, ये कॉस टू थीटा की वैल्यू है, देखो अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन में खत्म हुआ, एट में यहां देखो वन टू थ्री फोर फाइव, द डिफरेंस वॉज आपका देखो ना, यहां पे एक आईडी में हमने काम चलाया है, और यहां हमने इसको कहते हैं मल्टीपल फॉर्मूला, इसलिए 30 फॉर्मूले से 30 फॉर्मूले से पेट नहीं भरेगा, 5961 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, कि अगर आपको आर डी शर्मा सर क्यों फिर क्यों किताबें लगा रहे हैं, कमीशन मिलता है क्या आपको जो आप कह रहे कि बच्चे को यह खरीद ले, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप आर डी शर्मा सर की किताब ले रहे हैं, चाहे आर एस अग्रवाल सर की किताब ले रहे हैं, चाहे एडवाइजर की स्टूडेंट एडवाइज, चाहे एक्स्ट्रा मार्क्स की आप ले रहे हैं, कोई भी किताब आप लिए, आप मंजीत सिंह, मुझे तो मंजीत सिंह से बेस्ट किताब ही कोई नहीं लगती है, अब आप लगाओ दिल्ली में तो आप मंजीत सिंह चलाते थे, यहां तो एक बार मैं जब गया यहीं आपका पीली कोठी में एक, मैंने कहा भाई साहब वो मंजीत सिंह इलावल के दे दीजिए, यहाँ मंजीत सिंह कोई राइटर, मंजीत सिंह कोई राइटर आपको पता है, उस समय मैं नया था हल्द्वानी में पहले पहले आया, मैंने कहा देखो सर एक तो ऊंची आवाज में मत बोलो, आपको पता नहीं है तो मत बोलिए, आपको जो स्कूलों ने प्रिफर की है किताब वो रखी हुई आपने, आपको पता ही नहीं मंजीत सिंह कैसा राइटर है मैथ में, मैंने कहा घड़ी में, फिर मैं बड़ा गुस्सा था, मैं घड़ी में देख तीन मिनट में आ रहा हूं, मोटरसाइकिल में किक मारी, यहां से इलावत की किताब ले गया मैं, अच्छा ये यहाँ नहीं, मैंने कहा ये बोलना मेरे पास नहीं अवेलेबल है, ये यहाँ हम नहीं चलाते, लेकिन ये कैसे कह दिया आपने मंजीत सिंह कोई राइटर ही नहीं है, आप कहीं भी देखोगे, ये देखिए आर एन अरोरा नाइन्थ में, ये देखो ये देख लीजिए 2002 से पहले आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपका इनमें इंक्लूड थी सर, ये आपका दो किताबें दिखा रहा हूं जो दिल्ली में चलती थी आपका, मंजीत सिंह देख लीजिए पाइनियर के नाम से, यस तो वही मैं कह रहा कि नेताओं को कम से कम आप लोगों की चिंता होनी चाहिए कि भाई यार हम क्या कर रहे हैं, नई शिक्षा आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड तो मत हटाइए, सिलेबस तो कम मत करिए, क्या हाँ तो बोर्ड हट गया तो वैसे ही माशाल्लाह हो रहे हैं,
मिनिस्टर ने पढ़ना नहीं, ग्राम प्रधान भी अंगूठा छाप है, नेता भी अंगूठा छाप, सिर्फ उनको डॉक्टर अच्छे चाहिए, बीमार हो गए आप तो एम्स में उनको इलाज चाहिए, उनका इलाज फौरन में हो जाता है, इस हिसाब से तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा। जब आप सारी चीज बोर्ड हट गया, मतलब लड़के का पढ़ने का पैसन ही खत्म हो गया। वैसे कौन सा पढ़ रहा बच्चा 20 नंबर के लिए लास्ट के दो महीने जनवरी फरवरी में स्कूल टीचर के पास जाकर के कि मुझे मिल जाएंगे मैथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री में 20 में से 20 मिल जाएंगे। सुनता नहीं होगा कोई वीडियो, क्या जजों को इतनी चिंता नहीं होगी? हिंदुस्तान के जज जो चाहे वो करवा ले, कौन होता भाई, कैसे तुमने कम कर दिया सिलेबस? ऐसे ही बनते हैं जज, ऐसे ही बनते हैं डॉक्टर, ऐसे ही बनते हैं इंजीनियर, ऐसे आईएएस, ऐसे पीएसएस बनेगा। हिंदी में इंजीनियरिंग होगी, एक आपके एचआरडी मिनिस्टर पहले बने हुए थे, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में पीएचडी करा ले, एमफिल करवा ले, कोई बात नहीं, हिंदी में इंजीनियरिंग होगी। अरे इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें टूल एंड टेक्नीशियन होते हैं। हिंदी में क्या, तू क्या करेगा, हिंदी पे बिंदी लगवाएगा उधर? ये तो हाल है आपके मिनिस्टर्स का। कविताएं लिख रहे हैं माशाल्लाह, मिनिस्टर बने हुए। मुंबई आईआईटी में जाकर के परमाणु बम की खोज न्यूटन ने की थी। तो फिर ऐसे मिनिस्टर ही बनाओगे, उनको क्या लेना, बोर्ड हटाएं या नहीं हटाएं कोई फर्क नहीं, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट कोई अगर अच्छी आएगी, मैं सोचता हूं कि एजुकेशन के मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं, एजुकेशन, बाकी तो उसका भी सुपड़ा साफ है, चोर तो हर जगह होंगे, इसमें कोई शक नहीं। करप्शन इज लाइक ए रेंसिडिटी, जिसको आप खत्म ही नहीं कर सकते हिंदुस्तान से। तो यहां तो हर बच्चा पैदा होने वाले भ्रष्ट हो रहा है, पैदा कितने ईमानदार है, मेरे जैसे ईमानदार है तो ये हालत है, देखो आपका ना, बेमान होता तो अभी तो आपका। ये एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि कोई भी टीचर कभी भी है तो कंपेरिजन करवाए बच्चे को, एक्स्ट्रा फॉर्मूले करवाए, तब आपका भला है। और जो लोग कह रहे बोर्ड हट जाएगा, बोर्ड हटने का मतलब आपकी एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, खत्म, और कुछ नहीं होगा, खत्म तो अब हो गया, अगले साल से और खत्म हो जाएगा। ये दिखने रहा अंधे हैं क्या ऊपर बैठे हुए लोग? ग्राउंड में आकर के देखो, कभी एसी के अंदर बैठ करके कभी इंफॉर्मेशन नहीं बनाई जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बनाई जाती है, रूल्स है, यहां आना पता ग्राउंड में, तब जाकर दोनों में फर्क देख लो ना। प्लीज अब अगला सवाल आप करें।